आज मैं यहां आया हूं तब शरद राव जी को पूछना चाहता हूं कि शरद राव जी एक बात बताइए, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार के आप कर्ता धरता थे, 10 साल तक आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? नांदेड़ वालों हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जरा जोर से बोलो, मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। मगर मैं आज देकर जाता हूं, 10 साल में उन्होंने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ रुपया दिया था, और 1,91,000 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में 7,15,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके अलावे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 3,90,000 करोड़ अलग से दिया, 75,000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे के लिए, 2,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए, 4,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए और 1,00,000 करोड़ रुपया स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की मंडली महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकती। महाराष्ट्र का विकास नरेंद्र मोदी जी, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर ढेर सारे गरीब कल्याण के काम किए हैं। गरीबों के लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में 1,16,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया, 1,20,00,000 घरों में नल से जल पहुंचाया, 1,00,00,000 लाभार्थियों को 5,00,000 तक का पूरा खर्चा आज आयुष्मान भारत योजना से मोदी जी उठा रहे हैं, 70,00,000 से ज्यादा शौचालय बनाए, 7,00,00,000 गरीबों को कोरोना आया तब से प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, 51,00,000 गरीब बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, 20,00,000 घर दिए, नागपुर में एम्स दिया, आईआईटी नागपुर में दिया, आईआईआईटी पुणे में दिया और नागपुर में आईआईएम भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, शरद पवार जी इतने साल यहां से इतने दिग्गज नेता रहे मगर महाराष्ट्र का विकास नहीं कर पाए। महाराष्ट्र का किसान हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, ये सभी का सर्वांगीण विकास करने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता।